हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मेरे पास है ये 3 LED स्ट्रिप मॉड्यूल और इनमें से मैं यूज करने वाला हूँ 7 मॉड्यूल। और उन 7 मॉड्यूल की मदद से मैं करूंगा आज अपनी कार में बहुत ही बेहतरीन मॉडिफिकेशन। और उन 7 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल लगाऊंगा मैं अपनी कार की फ्रंट ग्रिल में और 4 मॉड्यूल लगाऊंगा गाड़ी के फ्रंट बम्पर की अंडर ग्लो लाइट के लिए। LED स्ट्रिप मॉड्यूल के बीच में मैंने गैप इसलिए बढ़ाया ताकि ये मेरे 4 मॉड्यूल पूरे बम्पर को कवर कर सके। तो जो मुझे बम्पर के नीचे लगानी है उसके लिए मैंने 4 मॉड्यूल की ऐसे वायरिंग की है। और ये 3 मॉड्यूल लगाऊंगा मैं अपनी फ्रंट ग्रिल में, बस इनको यहाँ से बीच में से कट करूंगा, इनकी कोई वायरिंग नहीं करूंगा बीच में गैप बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी फ्रंट ग्रिल वो इतनी होती है कि इसको बीच में से कट करके ही वो तीनों मॉड्यूल बिना वायरिंग के कवर कर लेंगे। तो मैं इसको आपको पहले काट के दिखा देता हूँ। और मैंने इनको बीच में से अलग अलग कर लिया है और अलग करने के बाद काफी लेंथ हो गई है इसकी, तो मुझे बीच में इनके गैप बढ़ाने के लिए वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इनको सिर्फ ऐसे ही लगा दूंगा। और इनका कनेक्शन मैं करूंगा उन 4 मॉड्यूल के साथ जो मुझे बम्पर के नीचे लगाने थे। और जो ये मेरी 3 LED स्ट्रिप है जो मैंने ली हुई है, इनको मैं यहाँ लगाऊंगा ग्रिल के नीचे। और ये तीनों LED स्ट्रिप मैंने यहाँ पे फिट कर दी एक एक करके। एक तो ये लगी हुई है इधर, और एक लगाई है मैंने बीच में, और एक ये लगाई है इधर साइड पे। और इन तीनों लाइट्स की मैंने वायर अंदर की साइड से लेकर और इधर नीचे से निकाल दिया है यहाँ पे। पहले मैं बम्पर के सरफेस को थोड़ा सा साफ करूँगा ताकि जो हमारी LED स्ट्रिप लाइट है वो इस पर अच्छे से चिपक जाए। और अब एक एक करके मैं ये 4 स्ट्रिप बम्पर पे लगाऊंगा। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको थोड़ा ज़ोर से दबाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए ये यहाँ पे और निकले ना जल्दी से। और अब दूसरे नंबर की LED स्ट्रिप को चिपकाने के लिए सेम वही वाला प्रोसेस करना है जो हमने पहले उसको चिपकाया। अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है। और पहले मैं इसकी टेप उतार लेता हूँ ये, और फिर इसको थोड़ा सा टेप उतारने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये मैं इसकी टेप उतर गई। और अब इसको यहाँ पर अच्छे से चिपका दूँगा। वो जो मैंने ग्रिल वाली LED लाइट की वायर नीचे निकाली थी ये वाली, तो उसमें मैंने कट मार के जो मेरी बम्पर की 4th लाइट थी उसको मैंने इसमें जोड़ दिया है और वायर को ऐसे ही आगे जाने दिया है। ये वायर पूरा लंबा आगे तक पड़ा है, ये देख लो। और अब इसकी भी टेप उतार के मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ज़ोर से दबा के। और ये 4 LED मॉड्यूल मैंने चिपका दिए हैं और चिपकने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये 4। और ये निगेटिव वाला वायर है जो मैंने अभी फ़िलहाल नीचे छोड़ा हुआ है, और जो मेरा पॉजिटिव वायर है वो मैंने यहाँ से डाल के यहाँ अंदर से, और इसको इधर से ले जाके यहाँ साइड से और सीधा अंदर केबिन के अंदर डाल दिया। इसको केबिन के अंदर वायर लेने के बाद मैं यहाँ से ऊपर लेके इसको और सीधा स्विच में कनेक्ट कर दूंगा इस वाले में। ये वाला वायर तो डायरेक्ट बैटरी से आया हुआ है और इसमें मैंने अपने LED स्ट्रिप के वायर जोड़ दिए हैं, और अब मैं इसको इसमें लगा दूंगा। इसमें वायर लगाने के बाद मैं इस स्विच को अपनी जगह पे वापस लगा दूंगा। बस वापस लगाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना, धीरे से इसको यहाँ लगाना और अंदर पुश कर देना है। और ये हमारा स्विच तैयार हो गया है। और अब लास्ट में जो मेरा निगेटिव वाला वायर है मैं उसको जो मेरा हॉर्न का ये नट है उसमें अच्छे से इसको कस दूंगा। और अब करते हैं बोनट को बंद और देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।